Dear students, we were discussing about prime ideals, primary ideals, semi-prime ideals, maximal ideals. So we continue our study in this direction. First of all, note that every ring we will discuss in these sessions, in particular in this session, will be a commutative ring with identity. So let's note that thing first. So all the rings being discussed in this session are commutative rings. Commutative rings with identity. Identity means multiplicative identity. So let's recall few concepts. Recall that we have defined that an ideal of a commutative ring R with identity is prime. Let me write it. An ideal I of R, R is a ring, commutative ring with identity. An ideal I of R is prime ideal. If this is the condition, if product of two elements belong to I, then one of them, either A belongs to I or B belongs to I. Maybe both belong to I, लेकिन इनमें से किसी एक को ideal को ज़रूर बिलोंग करना चाहिए. वी हैव डन मैक्सिमल आइडियल थ्योरम. रिकॉल मैक्सिमल आइडियल थ्योरम. ये थ्योरम हमने इन जनरल सेटिंग में किया था जिसमें रिंग का कम्यूटेटिव होना ज़रूरी नहीं था. तो कम्यूटेटिव रिंग्स के लिए इसकी सूरत वही रहती है. लेट मी जस्ट रिकॉल इट कि लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी. देन एनी प्रॉपर आइडियल, एनी प्रॉपर आइडियल आई ऑफ रिंग आर is contained in a maximal ideal. तो रिंग R का कोई भी प्रॉपर आइडियल दे दिया जाए तो ये प्रॉपर आइडियल किसी ना किसी मैक्सिमल आइडियल में कंटेंड होगा या किसी ना किसी मैक्सिमल आइडियल का सबसेट होगा. यूनिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन रिंग थ्योरी. सो लेट्स डिस्कस व्हाट यूनिट्स आर. लेट मी डिफाइन इट. लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी. लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग with identity. Then an element U of this ring R is a unit if there exists an element V in R such that कि U का V के साथ प्रोडक्ट या V का U के साथ प्रोडक्ट जो है वो
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन के बराबर हो. सो अ यूनिट इज़ एन एलिमेंट ऑफ द रिंग विच इज़ इन्वर्टिबल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. एक ऐसा एलिमेंट किसी कम्यूटेटिव रिंग का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखता हो उस रिंग के अंदर इज कॉल्ड यूनिट. सो लेट्स सी एग्जांपल्स. द रिंग जेड, द रिंग ऑफ इंटीजर्स, यू नो दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन, हैज ओनली वन एज यूनिट. Z में सिर्फ वन जो है ये यूनिट है, वन के अलावा कोई और एलिमेंट जो है वो इन्वर्टिबल नहीं है. लेट्स टेक दिस एग्जांपल. और ये बात भी याद है कि यूनिट्स जो है ना ये नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉन जीरो एलिमेंट ही का कंसीडर किया जाता है. सो कंसीडर आर the ring of real numbers. Then above real numbers में जानते हैं कि zero के अलावा हर element invertible होता है. तो then x such that x is not equal to zero is यूनिट इन आर. तो रिंग ऑफ रियल नंबर्स के तमाम नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो यूनिट होते हैं. एग्जांपल कंसीडर, आप ये रिंग लीजिए जेड सिक्स जिसके एलिमेंट्स आप जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4 and 5 और बाइनरी ऑपरेशन होते हैं एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6. इस रिंग जेड सिक्स में 1 यूनिट है एंड 5 यूनिट है. सो इन जेड सिक्स यूनिट्स आर वन एंड फाइव. आप जेड सिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कैलियस टेबल बनाकर देखिए, यू विल बी एबल टू सी दैट वन एंड फाइव आर द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट्स इन जेड सिक्स. सो इन जेड सिक्स वन एंड फाइव आर यूनिट्स. सो यूनिट is very important concept in ring theory. इसकी वजह यह है कि let me give you a little explanation about that. Let R be a ring with identity. R be a commutative ring with identity. And let U be a unit in R, be a unit. Then आप U के साथ principal ideal generate कीजिए, ideal generated by U. Then ideal generated by U, हम ये symbol इसके लिए use कर लेते हैं, ideal generated by U. ये आप जानते हैं कि आप U को रिंग R के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज इक्वल टू R U सच दैट R बिलोंग टू R. तो थोड़ा सा गौर करें तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये जो आइडियल है ये पूरी रिंग R के बराबर है. तो यूनिट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यूनिट से जनरेट होने वाला आइडियल पूरी रिंग R के बराबर होता है, या यूनिट से जनरेट होने वाला आइडियल जो है ये प्रॉपर आइडियल नहीं होता, ये पूरी रिंग R के बराबर होता है. इन पर्टिकुलर
अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट से, मल्टीप्लिकेट आइडेंटिटी एलिमेंट से आइडियल जनरेट करें तो ये आइडियल भी पूरी रिंग आर के बराबर होगा। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से जेहन में रखिए और इस चीज़ को बेहतर है ख़ुद वर्कआउट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि किसी भी यूनिट से आइडियल जनरेट करेंगे तो वो प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, वो पूरी रिंग आर के बराबर होगा। सो दिस इज़ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट्स। रिंग थ्योरी को पढ़ने के दौरान ख़ासतौर पर वो रिंग जिनमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हम अक्सर कंडीशन लगाते हैं, मोस्टली ड्यूरिंग स्टडी ऑफ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी वी इम्पोज द कंडीशन दैट रिंग आर जो है ये ज़ीरो रिंग के बराबर नहीं है। इसकी वजह ये है कि अगर आप रिंग आर को ज़ीरो रिंग के बराबर लेंगे और आर इज़ रिंग विद आइडेंटिटी और ज़ीरो रिंग में जैसे ज़ीरो होता है देन यू हैव टू टेक वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इस केस को अक्सर अलग कर दिया करते हैं, इसको हम जब भी स्टडी करते हैं हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। सो मोस्टली व्हेन वी टॉक अबाउट रिंग एंड इन अ थ्योरम वी पुट दिस कंडीशन दैट दैट रिंग इज़ अ नॉन ज़ीरो रिंग। हमने रिंग आर से मुतलक देखा है कि रिंग आर का हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट यूनिट होता है। इनफैक्ट दिस इज़ ट्रू फॉर एवरी फील्ड इफ़ द कम्यूटेटिव रिंग आर विद आइडेंटिटी इज़ फील्ड is field then every non-zero element of R is a unit then every non-zero element of this field R is unit। तो ये फील्ड की बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है कि फील्ड का हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो यूनिट होता है। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इफ़ आर इज़ फील्ड देन फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू आर, अगर एक्स जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है तो इसके माने ये होंगे कि एक्स इज़ यूनिट। मैंने इस बात को रिपीट करके लिख दिया है कि एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स एक्स इज़ अ यूनिट। हमने पिछले सेशन में ये भी प्रूव किया था कि इफ़ आर इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग एंड आई इज़ प्राइम आइडियल देन आई आर फैक्टर आई इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। तो मैं सिर्फ फाइनल रिजल्ट लिखता हूँ कि इफ़ आई इज़ प्राइम आइडियल ऑफ रिंग आर देन आर फैक्टर आई, ये क्वेश्चन रिंग जो है ये इंटीग्रल डोमेन होगी, इज इंटीग्रल डोमेन। और हमने अदर वे राउंड भी प्रूव किया था एंड वाइस वर्सा कि अगर आर फैक्टर आई इंटीग्रल डोमेन हो तो फिर आइडियल आई जो है वो प्राइम आइडियल होगा।
So this is the result we approved last time. So let's talk about nilpotent element. If x is nilpotent, nilpotent के माने ये होते हैं कि x की कोई पावर जो है वो जीरो के बराबर हो जाए. If x is nilpotent, in ring R, let me explain that. That is, x raised to power n is equal to zero for some n greater than zero. तो अगर कोई एलिमेंट जो है वो nilpotent हो, then x is zero divisor. nilpotent एलिमेंट जो है ये ज़ीरो डिवाइजर्स होते हैं. इसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, बिकॉज अब देखिए x की पावर n को आप लिख सकते हैं x इंटू x की पावर n माइनस वन. और x की पावर n अगर ज़ीरो है तो आप देख सकते हैं कि x और x की पावर n माइनस वन का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आ रहा है. सो फॉर दिस रीज़न nilpotent एलिमेंट जो है वो ज़ीरो डिवाइजर्स होते हैं. और फील्ड से मतलब मैंने आपको बताया है कि किसी भी फील्ड में हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो यूनिट होता है. सो लेट्स कम टू अ प्रोपोजिशन. That a ring homomorphism is injective if and only if kernel of the ring homomorphism consists of zero ideal. So a ring homomorphism f from R into R dash or R prime is injective. Injective means one to one or monomorphism is injective if and only if kernel of F is equal to zero ideal. So let's prove that. Let me just mention that R and R dash are commutative rings with identity. So just to remove any ambiguity, so let's have the proof. So in one direction, suppose the given ring homomorphism is, f from R into R dash is injective. Injective means one to one or monomorphism. Suppose this is injective, then it is obvious that kernel of F is equal to zero ideal. अब देखिए इसकी वजह यह है कि रिंग होमोमॉर्फिज्म की यह प्रॉपर्टी है कि रिंग होमोमॉर्फिज्म ज़ीरो एलिमेंट को हमेशा ज़ीरो एलिमेंट पर जाकर मैप करता है. तो अगर f इंजेक्टिव है तो इसने ज़ीरो को ज़ीरो पर मैप कर दिया. अब चूंकि ये इंजेक्टिव है तो ये किसी और एलिमेंट को ज़ीरो पर मैप नहीं कर सकता, क्योंकि इंजेक्टिव मैप में कोई दो एलिमेंट्स किसी एक एलिमेंट पर जाकर मैप नहीं होते. तो अगर f जो है वो इंजेक्टिव है, इसका कर्नल सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट ही पर कंसिस्ट कर सकता है.
So kernel of F is zero ideal. Other way around, suppose that kernel of this ring homomorphism is zero ideal. We will prove that F is injective. So we will prove that F is injective. अब किसी होमोमॉर्फिज्म को मोनोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए या इंजेक्टिव प्रूव करने के लिए हम यूँ करते हैं कि हम डोमेन के कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं जिन पर उस होमोमॉर्फिज्म का इफेक्ट एक जैसा आ रहा हो. सो फॉर दिस पर्पस लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग टू रिंग आर सच दैट कि x1 पर भी f का जो रिज़ल्ट वही आए जो x2 पर f का रिज़ल्ट आता है. तो हम ये दो ऐसे एलिमेंट्स ले लेते हैं जिन पर f का इफेक्ट बराबर आता है. हम प्रूव करेंगे कि x1 इज इक्वल टू x2. देन एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू इज इक्वल टू ज़ीरो. आप इसको इस तरफ ले आइए and therefore क्योंकि f ring homomorphism है so it preserves the operation addition and minus जो है ना addition ही का special case है. therefore f x1 minus x2 is equal to zero and therefore अब देखिए x1 माइनस x2 पर f का इफेक्ट ज़ीरो आता है तो therefore x1 माइनस x2 जो है ना ये कर्नल को बिलोंग करेंगे. ये एलिमेंट कर्नल को बिलोंग करेगा. therefore x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ f. लेकिन f का कर्नल तो सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट पर कंसिस्ट करता है तो therefore x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू kernel is just the zero ideal and therefore अगर x1 x माइनस x2 जो है वो इसको ज़ीरो आइडियल को बिलोंग करता है तो फिर x1 माइनस x2 की वैल्यू ज़ीरो ही हो सकती है. therefore x1 माइनस x2 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड therefore x1 इज इक्वल टू x2. तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर x1 x2 पर f का इफेक्ट बराबर आता है तो फिर x1 x2 आपस में बराबर होंगे तो therefore f इज इंजेक्टिव. f इज इंजेक्टिव और मोनोमॉर्फिज्म. ये रिजल्ट ग्रुप थ्योरी में भी रिंग थ्योरी में भी अलजेब्रा में बहुत कॉमन रिजल्ट है ये एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन प्रूफ ऑफ सर्टन थ्योरम्स. So theorem says that if a ring homomorphism is injective then its kernel is equal to zero and if kernel of a ring homomorphism is zero then that ring homomorphism is injective. So this completes the proof. So let's have another proposition. Proposition says that let R be a commutative ring with identity. ये कंडीशन हम अक्सर लगाया करते हैं कि R not equal to zero मैंने पहले एक्सप्लेन किया है. So be a commutative ring with identity. आइडेंटिटी की जगह हम वन लिख देते हैं. सो लेट दिस बी अ कॉम्पिटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट. देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट. हमने प्रूव करना है कि ये तीन कंडीशंस हैं ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं. फर्स्ट कंडीशन ये है कि आर इज फील्ड. R is field.
सेकंड कंडीशन ये है कि द ओनली आइडियल्स इन आर ज़ीरो आइडियल्स एंड आर इट्सेल्फ द ओनली आइडियल्स ऑफ आर द ज़ीरो आइडियल एंड द होल रिंग इट्सेल्फ एंड थर्ड कंडीशन ये है कि एवरी होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर एवरी होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर इंटू रिंग आर डैश इज इंजेक्टिव एंड लेट मी एक्सप्लेन दैट here R dash is a commutative ring with identity here R dash is not equal to zero ring and is commutative ring with identity आइडेंटिटी को फिर हम वन लिख देते हैं दिस कम्प्लीट सो दिस इज वट वी हैव टू प्रूव दिस थ्री कंडीशंस आर इक्वलेंट सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ फ्रॉम सेम पेज सो हम इसे सपोज कर लेंगे इसे प्रूव करेंगे फिर इसे सपोज कर लेंगे इसे प्रूव करेंगे फिर इसे सपोज कर लेंगे और इसे प्रूव करेंगे सो हम वन को सपोज कर लेते हैं और हम प्रूव करेंगे नंबर टू सो वी हैव सपोज दैट आर इज अ फील्ड सो सपोज दैट आर इज अ फील्ड प्रूव हम ये करेंगे कि आर के सिर्फ दो आइडियल्स हैं एक तो आर इट्सेल्फ एंड एक जीरो तो वी शैल प्रूव दैट जीरो आइडियल एंड आर इट्सेल्फ आर द ओनली आइडियल्स ऑफ आर तो दिस इज व्हाट वी विल प्रूव So we have supposed that R is a field. हम प्रूव करेंगे कि R के सिर्फ दो आइडियल्स हैं या तो ज़ीरो आइडियल है या पूरी पूरी रिंग R खुद एक आइडियल है तो फ़र्ज़ कीजिए कि I जो है वो R का आइडियल है और I जो है वो ज़ीरो आइडियल के बराबर नहीं है So let I be an ideal of R. एंड सपोज कीजिए कि आई जो है वो ज़ीरो आइडियल नहीं है तो हम प्रूव करेंगे कि आई जो है ये फिर रिंग आर के बराबर है अब देखिए अगर आई ज़ीरो आइडियल नहीं है तो देन हमें फिर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट इस आइडियल के अंदर मिलना चाहिए तो देन देयर एग्जिस्ट एक्स belonging to R जो कि ज़ीरो के बराबर नहीं है और X जो है वो आइडियल I को बिलोंग करता है अब अगर X जो है वो आइडियल ये बात भी नोट कर लीजिए कि चूँकि हमने सपोज किया हुआ है कि रिंग R जो है वो फील्ड है और फील्ड का कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो तो वो यूनिट होता है तो देर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू आर विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स बिलोंग्स टू आई सिंस आर इज फील्ड
R is field, and every non-zero element of a field is a unit, and every non-zero element of a field is a unit. Therefore, this particular element x जो हमने ring R का choose किया है, जो non-zero है और ideal को belong करता है, therefore x is unit. Therefore x is unit. अब ये बात नोट कीजिए कि अगर आप x चूँकि I को belong करता है, तो x से generate होने वाला जो ideal है वो आइडियल आई का सबसेट होगा. अब एक्स चूंकि यूनिट है, इसलिए एक्स से जनरेट होने वाला जो आइडियल है वो पूरी रिंग आर के बराबर होगा. ये बात हमने इससे पहले डिस्कस की है. तो देयरफॉर आर जो है वो इस आइडियल आई का सबसेट होगा. लेकिन आप पहले से जानते हैं कि हर आइडियल जो है वो अब रिंग का सबसेट होता है. हेंस आइडियल आई जो है वो पूरी रिंग आर के बराबर होगा. तो हमने ये बात प्रूव की है कि अगर कोई आइडियल ज़ीरो आइडियल के अलावा है तो वो पूरी रिंग आर के बराबर हो जाएगा. सो देयरफॉर द रिंग आर विच इज़ फील्ड हैज़ ओनली टू आइडियल्स, द ज़ीरो आइडियल एंड द होल रिंग आर. तो देयरफॉर आर हैज ओनली टू आइडियल्स, नेमली द ज़ीरो आइडियल एंड द होल रिंग इटसेल्फ एंड द रिंग आर इटसेल्फ. तो हमने फर्स्ट कंडीशन को सपोज करके सेकंड कंडीशन को प्रूव किया है. अब हम सेकंड कंडीशन को सपोज कर लेते हैं. अब हम सपोज कर लेते हैं द ओनली आइडियल्स ऑफ आर आर ज़ीरो आइडियल एंड रिंग आर, और हम प्रूव करेंगे कि एवरी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम रिंग आर टू सम रिंग आर डैश इज ऑलवेज इंजेक्टिव. सो लेट्स सी दैट. टू इम्प्लाइज थ्री. So suppose that only ideals of R are zero ideal and the ring R. अब consider कीजिए ring homomorphism. Consider ring homomorphism F, जिसकी डोमेन रिंग R है और को डोमेन कोई और रिंग R डैश है, और R डैश भी इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी. ये कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि बोथ रिंग्स आर कम्यूटेटिव रिंग्स विद आइडेंटिटी. अब ये बात निकाल कीजिए कि ये बात हमने डिस्कस की हुई है कि जब आप रिंग्स विद आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव रिंग्स विद आइडेंटिटी को कंसीडर कर रहे होते हैं, तो जो होमोमॉर्फिज्म्स हैं उनके कर्नल हमेशा प्रॉपर आइडियल्स होते हैं डोमेन वाली रिंग के. रिमेंबर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज रिंग्स विच आर कम्यूटेटिव रिंग्स विद आइडेंटिटी एलिमेंट. So consider this particular ring homomorphism, then we know that, ये बात हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशंस में, then we know that kernel of F is, kernel of F is proper ideal of, is proper ideal of R.
अब रिंग आर के तो सिर्फ दो आइडियल्स हैं, एक ज़ीरो आइडियल है, एक रिंग आर इटसेल्फ आइडियल है, और इन दोनों में से ये ज़ीरो आइडियल इज़ द प्रॉपर आइडियल। तो रिंग आर का सिर्फ एक ही प्रॉपर आइडियल है जो कि ये ज़ीरो आइडियल है। देन वी नो दैट कर्नल ऑफ एफ इज़ प्रॉपर आइडियल ऑफ आर, बट ज़ीरो आइडियल इज़ द ओनली प्रॉपर आइडियल ऑफ आर, क्योंकि इसके हैं ही दो आइडियल और उनमें से सिर्फ ज़ीरो प्रॉपर है प्रॉपर आइडियल ऑफ आर। अब कर्नल ऑफ एफ भी अगर आर का प्रॉपर आइडियल है तो फिर कर्नल ऑफ एफ को ज़ीरो आइडियल के बराबर होना चाहिए। देयरफॉर कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ज़ीरो आइडियल। और किसी रिंग होमोमॉर्फिज्म का कर्नल ज़ीरो आइडियल हो तो वो रिंग होमोमॉर्फिज्म इंजेक्टिव होता है। तो देयरफॉर यह बात हमने इससे पहले प्रूव की है, तो देयरफॉर एफ इज इंजेक्टिव। तो ये बात हमने प्रूव कर दी कि अगर किसी रिंग के सिर्फ दो आइडियल्स हों, ज़ीरो आइडियल पूरी रिंग आर, तो उस रिंग से किसी और रिंग तक जो होमोमॉर्फिज्म है दैट विल बी ऑलवेज इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म आर मोनोमॉर्फिज्म। नाउ लेट्स कम टू थ्री इम्प्लाइज वन। तो हम सपोज कर लेते हैं कि एवरी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू सम अदर रिंग इज ऑलवेज इंजेक्टिव। सपोज दैट एवरी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर डैश, आर डैश भी एक नॉन काउंटेटिव रिंग है, सॉरी आर डैश भी एक काउंटेटिव रिंग है विद आइडेंटिटी और नॉन जीरो रिंग है। सपोज दैट एवरी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर डैश इज इंजेक्टिव। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, हियर रिंग आर भी ज़ीरो नहीं है, रिंग आर डैश भी ज़ीरो नहीं है, एंड आर आर डैश आर कम्यूटेटिव रिंग्स विद आइडेंटिटी, वो हम वन लिख देते हैं। तो हम जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर, तो वी शैल प्रूव दैट आर इज फील्ड। तो वी शैल प्रूव दैट आर इज फील्ड। हम प्रूव करेंगे कि ये जो डोमेन वाली रिंग है ये फील्ड है, इज फील्ड। अब किसी रिंग को फील्ड प्रूव करने के लिए इतना प्रूव कर देना काफ़ी है कि उस रिंग का हर नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो यूनिट है। सो दिस व्हाट वी विल डू। सो वी शैल प्रूव दैट, सो वी शैल एस्टैब्लिश दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर इज यूनिट। तो इतना प्रूव कर देने से रिंग आर जो है वो फील्ड प्रूव हो जाएगी। तो ये प्रूफ हम बाय कंट्राडिक्शन करेंगे। ऑन कॉन्ट्रेरी हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट एक्स है जो यूनिट नहीं है। सो ऑन कॉन्ट्रेरी suppose that there exists an element x in the ring R
जो कि ज़ीरो के बराबर नहीं है और यूनिट भी नहीं है, एंड एक्स इज नॉट यूनिट। इसे हम यूं भी लिखा करते हैं कि आर एक्स इज नॉन यूनिट। तो हम एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लेते हैं रिंग आर का, सपोज कर लेते हैं कि ये यूनिट नहीं है, देन अब देखिए एक्स चूंकि यूनिट नहीं है तो फिर एक्स से जनरेट होने वाला जो आइडियल है ये आइडियल पूरी रिंग आर के बराबर नहीं होगा, एंड देयरफॉर अगर आप रिंग आर को इसी आइडियल जनरेटेड बाय एक्स के साथ फैक्टर करें तो ये रिंग जो है ना ये ज़ीरो रिंग फिर नहीं होगी, इज नॉन ज़ीरो रिंग, आर इज नॉट ज़ीरो रिंग। किसी रिंग को उसी रिंग के साथ क्वेश्चन करें तो फिर आपको ज़ीरो रिंग मिलती है। अब आइडियल जनरेटेड बाय एक्स चूँकि रिंग आर के बराबर नहीं है इसलिए आर को जब आइडियल जनरेटेड बाय एक्स के साथ क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन रिंग जो है ये नॉन ज़ीरो रिंग होगी या ज़ीरो रिंग नहीं होगी। अब कैनोनिकल मैप कंसिडर करें, कंसिडर कैनोनिकल मैप। जिसे हम हमेशा आपको याद होगा ग्रुप थ्योरी में भी और रिंग थ्योरी में भी इसे हम ईटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज़ अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम रिंग आर टू दिस पर्टिकुलर कोशेंट रिंग, और इसकी आप डेफिनेशन जानते हैं, इसके किसी भी एलिमेंट को उस एलिमेंट से मुतल्लिक कोसेट के साथ ये जाके असाइन करता है। एनीवे सो कंसीडर दिस पर्टिकुलर कैनोनिकल मैप, और ये बात हम जानते हैं कि ईटा जो है वो इंजेक्टिव है बाय आवर हाइपोथेसिस। एवरी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू सम अदर रिंग टू सम रिंग इज इंजेक्टिव, ये हमारा हाइपोथेसिस है, इज इंजेक्टिव। बाकी कंडीशन जो है वो कम्यूटेटिव होना, आइडेंटिटी होना, वो भी साथ है। तो हमारा हाइपोथेसिस ये है कि रिंग आर से जो भी आप होमोमॉर्फिज्म लेंगे वो इंजेक्टिव होगा, इज इंजेक्टिव। सो बाय आवर हाइपोथेसिस ईटा इज इंजेक्टिव, ईटा इज़ इंजेक्टिव। और आप जानते हैं कि अगर कोई होमोमॉर्फिज्म इंजेक्टिव हो तो उसका कर्नल जो है वो ज़ीरो होता है, तो देयरफॉर कर्नल ऑफ ईटा इज इक्वल टू ज़ीरो आइडियल। बट ये आप जानते हैं एक बड़ा, इट इज़ वेरी फेमस मैप, वी कॉल इट कैनोनिकल मैप, और इससे मुतलक बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कैनोनिकल मैप का जो कर्नल है वो वही आइडियल होता है जिसके साथ आपने कोशेंट रिंग ली होती है। बट ईटा का जो कर्नल है विच इज़ वेरी वेल नोन फैक्ट, वो वही आइडियल होता है जिससे आपने कोशन किया होता है रिंग को। तो कर्नल ऑफ ईटा इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय एक्स। जो हमारा हाइपोथेसिस है उससे ईटा का कर्नल ज़ीरो बनता है, ज़ीरो आइडियल बनता है, और ज़ीरो आइडियल आप जानते हैं ज़ीरो से जनरेट होता है, तो देयरफॉर ये भी कर्नल ऑफ ईटा की वैल्यू है, ये भी कर्नल ऑफ ईटा की वैल्यू है, तो आइडियल जनरेटेड बाय एक्स जो है वो आइडियल जनरेटेड बाय ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, एंड देयरफॉर एक्स जो है वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। Therefore, x is equal to zero, which is contradiction, क्योंकि हमने x को तो नॉन ज़ीरो लिया था, which is contradiction, because x is not equal to zero.
क्योंकि एक्स नॉन ज़ीरो है तो इस तरह से एक्स ज़ीरो को बन, सो दिस इज़ कंट्राडिक्शन. तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग. सपोजिशन वाज ऑन कंट्रेरी सपोज दैट देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट विच इज़ नॉट यूनिट. सो दिस कंट्राडिक्शन सेज दैट आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग. देयरफॉर एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर इज़ यूनिट. देयरफॉर every non-zero element of R is unit. और किसी रिंग का हर non-zero element unit हो तो वो रिंग फील्ड होती है. तो therefore R is field. तो ये ख़ासा इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, इसे आप नोट कर लीजिए. इसको मुमकिन है हमें यूज़ भी करना पड़े किसी स्टेज पर. किसी रिंग का फील्ड होना या किसी रिंग में सिर्फ दो आइडियल्स होना या उस रिंग को डोमेन लेकर किसी और रिंग तक हर होमोमॉर्फिज्म का इंजेक्टिव होना, ये तीनों कंडीशन जो है ये इक्विवेलेंट है. अगर किसी रिंग के सिर्फ दो आइडियल्स हों तो वो रिंग हमेशा फील्ड होगी. दिस इज़ वॉट दिस कंडीशन से. और अगर किसी रिंग से लेकर किसी और रिंग तक होमोमॉर्फिज्म हमेशा इंजेक्टिव